नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड जन अधिकार महासभा मंच द्वारा राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन किया गया। झारखंड जन अधिकार महासभा के बैनर तले 3 सवालों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं जन संग्राम मोर्चा के अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है। संगठन है मेरा उसका मैं केंद्रीय अध्यक्ष जुगलपाल, और आज झारखंड जन अधिकार महासभा के बैनर तले जो है 3 सवालों को लेकर के यहाँ धारणा दिया जा रहा है। एक तो है कि पूरे राज्य में पुलिसिया दमन संपीड़न के सवाल के लेकर के फर्जी मुकदमा के जैसे जो कानून उसको लेकर के, दूसरा है मानवाधिकारों का कई तरीके से जो है हनन हो रहा है वो, और तीसरा है पलामू में उजड़ते पहाड़, पानी, बालू, पर्यावरण के सवाल पर आज 83 दिनों से धजवा पहाड़ को बचाने के लिए करके एक आंदोलन चल रहा है, और फर्जी ग्राम सभा भी है, फर्जी लीज भी है, इसके बावजूद भी झारखंड सरकार के संरक्षण में वहाँ जो ठेकेदार है, शिवालिया कंपनी है, वो जबरन उत्खनन करना चाह रहा है और जनता की बात बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। वो इसी सवाल पर आज राज्यपाल महोदय के यहाँ उन बातों को लोग गुहार लगाने आए हैं कि हमारी बात सरकार नहीं सुन रही है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो आज जनता यहाँ जो है वहाँ से भजवा से जो है पलामू जिला का पांडू प्रखंड का कुकनू पंचायत का प्रवाही टोला है, वहाँ से सैकड़ों लोग यहाँ करके और राज्यपाल को अपना जनाधिकार महासभा के जो है पैड पर जो है अपनी मांग जो है राज्यपाल को देंगे। इन्हीं सवालों को लेकर के यहाँ जो है धरना जैसा कार्यक्रम रखा गया है। मेरा नाम आज जो यहाँ राज्यपाल झारखंड जनाधिकार महासभा की तरफ से ये रखा गया है, और ये झारखंड जनाधिकार महासभा बना देते बता देते हैं कि ये झारखंड जनाधिकार महासभा कोई संगठन नहीं है, ये जितना भी झारखंड में जन संगठन है उसका एक मंच है। इसके माध्यम से झारखंड में यहाँ पे जमशेदपुर हजारीबाग गिरिडीह जितना भी यहाँ पर जनसंगठन चलता है उसका एक मंच है, और ये पिछले भाजपा की सरकार के समय से ये मंच बना है, और जितने भी झारखंडी मुद्दा है इसको प्रमुखता के साथ उठाने के लिए ये इस मंच को बनाया गया है। आज का जो यहाँ का मांग है कि भाई हमारा अधिकार का हनन हो रहा है, जिस तरीके से देखते हैं कि भाई हम लोगों को जो आंदोलन हुआ था पत्थरगढ़ में हुआ सरकार में, उस समय झारखंड सरकार ने वादा किया था कि भाई ये जो पत्थलगड़ी के ऊपर जितने भी लोगों के ऊपर केस हुआ था वो वापस लेने का झारखंड सरकार के पहले कैबिनेट ने वादा किया था कि भाई हम वापस लेंगे, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि भाई झारखंड सरकार बनने के बाद कैबिनेट में फैसला तो हो जाता है कि भाई केस को वापस लिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लिया गया। उस तरह जिस तरह हम लोग के स्टैम स्वामी जी है जो उनका भी मैंने जेल में देहांत हो गया, उनके बेल के दिन ही उनका मतलब ये देहांत हो जाता है, उतने दिन उसका बेल के लिए सुनवाई होने का था। इस तरह के झारखंड में कई मैंने जो विचाराधीन कैदी जो कोर्ट में मैंने अभी जेल में बंद है, वैसे बहुत सारे लोग हैं। इस तरीके से हम लोग इसके जो ये है आज का जो सभा धरना है इसके माध्यम से हम लोग झारखंड सरकार को राज्यपाल के माध्यम से अवगत कराने के लिए काम करेंगे। भाई इस तरह और कई सारा मुद्दा है जो अभी तक विचाराधीन है, उसको जल्द से जल्द मतलब सुनवाई करे, कार्रवाई करे, यही हम लोग आज धरना के माध्यम से लोगों को संदेश देने का काम करें और सरकार को भी चेताने का काम करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।